Hello friends, this is your host Rachit Pangal. I hope you all are fit and fine. आज का ब्लॉग गजब होगा भाई. मैंने पहले भी बताया था कि आज मैं आपको वही रॉयल इंडियन ब्रीड दिखा रहा हूँ. पीछे आप आवाज सुन रहे होंगे, सुमित ने अपनी जो मैंने पहले भी कहा था रॉयल इंडियन ब्रीड बुल्ली कुत्ता, इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े मेरे यहाँ आ रहे हैं. सुमित से तो कंट्रोल भी नहीं हो रही भाई, खींच के ले जा रहे बेचारे को. आज मैं वेट नहीं करते, जल्दी आ जाओ. हाँ भाई सुमित. हाँ जी भाई. रुक नहीं रही है. बिल्कुल यार. एक बार ना आदित्य इसके चेहरे पे फोकस करियो. चल बैठे. ये मिट्टी में है इतनी तो ये थोड़ी हुई हुई है मैली, पर भाई ये वैसे ऐसे ही रहना पसंद करते हैं. पहली बार मिल रहा हूँ, देख लो आप क्या क्या होगा. जो बता सुमित इसके बारे में कुछ खास है इसकी. आप फीमेल की क्वालिटी चेक कर लीजिए. पूरा स्ट्रक्चर देख लो, कितनी लंबी चौड़ी फीमेल है. हाइट इसकी 31 प्लस है. फेस देख लो, टेल्स देख लो, कलर मार्किंग रुके होने वाली है. और फायर देख लो, फायर तो गजब है. और जो बच्चे है ना, जो मैं वो बेबी लेके गया हूँ सिम्बा, वो इसका ही है. हाँ ठीक है बिल्कुल भाई. देख लो भाई गजब चीज है, गजब. ये थोड़ा यार फीमेल, मतलब अभी इसने बच्चे वगैरह करे तो इसलिए ये थोड़ी कमजोर सी लग रही है ना, वो यही रीजन है. बाकी अभी आपको वो दिखाएंगे, क्या नाम था उसका फिर भूल गया. कैरी जो मैंने पहले व्लॉग में दिखाई थी, वो उसके बच्चे पहले हुए थे बट अब ये बिल्कुल फिट हो चुकी है. बच्चे बुच्चे हो गए उसके बड़े, तो अब वो दिखाऊंगा. कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बाकी यार सही में बेफालतू में बदनाम कर, आप देख सकते हो पहली बार मिला हूं मैं इसे. अब आप देखते हैं सेकंड वाले फील कैरी आ रही है, और इनका फायर देखना इन दोनों का. कैरी देख सकते हो भाई, ये ना दूसरे जानवर के लिए वो नहीं है, मतलब ह्यूमंस को कुछ नहीं करते ना बेटे यार. चल चल अब कैरी आएगी. कैरी पिछले व्लॉग में भी आई थी. इसको तो पिछले बार तो लेके आए थे. और अब तो घर भी की है ना. पीछे बस तुम्हारी बारी आएगी, रुक जो एक एक करके आओगे सारे. इसका कलर जो है ना यार, ये बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा लगा. ये ऐसा कलर, मतलब इसका एक है ना, इसका बच्चा था एक, उसका भी यही कलर था. शाइन मार रहे. कैरी दूसरी बार मिल रहा हूँ मैं इससे, और एग्रेसिव आपने देख लिया, कुछ भी नहीं है ह्यूमंस के लिए, तो कुछ भी नहीं है ये. बता सुमित इसके बारे में खासियत. हर डॉग की एक खासियत होती है, तो इसकी भी कोई होगी खासियत. ये है इसकी, इतनी बड़ी साइज की होने के बाद अपने बच्चों के साथ और ह्यूमंस की बेबीज के साथ बड़ी कूल है, बहुत कूल है. जिस भाई की ये डॉग है उस भाई का लड़का इसके ऊपर सोता है लगभग. इतनी प्यारी है. हाँ. अभी एक और बेबी है हमारे पास छोटा, उसको बुलाते हैं, उसके साथ खेलेंगे. हाँ. बुलाइए उसको. रक्षित आजा आजा, इसको पप्पी को तू ले ले भाई एक बार. लो भाई ये चीज, ये मिथ और हटा देते हैं कि बच्चों के साथ ये एग्रेसिव होते हैं अपने ह्यूमन बेबीज के साथ. रक्षित है, ये इसको पकड़ेगा, इसको खेलेगा इसके साथ. मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिला हूं, कुछ भी नहीं कर रही. कंट्रोल तो कैसे होगी, क्यों भारी है ये. हाथ दे देगा मुंह में. हाँ कहाँ जाएगी अब इससे अगली कौन सी दिखाएगा. और भी है फीमेल. और भी है. वैसे तू ही ले जाएगी अब. हाँ बांध दे, देख लो देख लो. भाई गजब है यार. रक्षित इधर कौन सी क्लास में है. इधर देखो फोर्थ. भाई ये पाकिस्तानी बुलियों के साथ ही रहता है, इनकी है मतलब. ये मान लो आप है, मेरा चैनल देखता है पक्का, सारी वीडियो देखता है. वही बहुत मजा आता है जब ऐसे ऐसे फैंस होते हैं ना, छोटे छोटे. बड़े तो है पर ये वाले, ये जो मासूम फैंस होते हैं ना, उसका मजा ही अलग है. ये बहुत ज्यादा एक्टिव है भाई. तो कह रहे के पास कहीं तो लड़ लगी. ले मैं पकड़ूंगा, छोड़ दे छोड़ दे.
तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई इसमें। बच्ची है ये, अभी बच्ची है क्या है इसकी? एट मंथ की देख लो ये भाई, देख गजब है। फिर क्या नाम है इसका? इमेजिनरी नाम है, कुछ भी रख दो अगर रखा नहीं हुआ तो। फिर बढ़िया भाई, फायर देख सकते हो भाई आप इसमें बिल्कुल। हाइट लेंथ देख लो पूरी फीमेल की। रुक जा, रुकती नहीं भाई ये, पिछली बार भी नहीं रुकी थी। हाँ। पिछली बार हम थंबनेल ले रहे थे भाई, इसने इतने रीटेक करवाए थे, इसने इतने रीटेक करवाए, हद पार कर दी थी। हाँ आ जा इधर, आ जा चल भाई। जब इतना बड़ा डॉग आप हाथ में लेके चलो ना यार, किसी की हिम्मत नहीं होती आपके पास आने की। यह बात तो है, घर के बाहर खड़ा रहेगा तो भी पड़ोसी पूछ के देखेंगे भाई। रोड वाइल लगते इतना डर रहे, ये तो फिर चीज ही अलग होगी। बैठ जा। सही है, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना पब्लिक रिएक्शन करेगा ऐसे पाकिस्तानी बुल्ली लेके चलेंगे, फिर देखेंगे लोग क्या रिएक्शन देते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ठीक है। तो भाई ये भी आपने एक ब्लॉग देखा था जिसमें एक रोटवाइलर के बच्चे हो गए थे इसके पास, उम्मीद के पास, और उनकी माँ में ना मतलब उनके जो मिल्क में इन्फेक्शन हो गया तो वो पिला नहीं सकती थी, तो इसने इस फीमेल ने वो बच्चे में को दूध पिला पिला के बड़ा करा था। हाँ, बिल्कुल अपने बच्चों जैसा। ये देख लो भाई, इनमें भी भाईचारा चला है, रापा यूं जात पात रिलीजन पे लड़ते रहते हैं, समझो इस बात में। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, नहीं सही बात नहीं है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। और ये देखो इस सबसे बड़ा एग्जांपल इन्होंने सेट करा है, यूं तो कह सका भाई वो रोटवाइलर के बच्चे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो हो सकता था, सही बात नहीं है भाई। दूसरी बात, दूध पिलाना एक चीज अलग होगी, उन्हें अपने बच्चों की तरह संभाल कर बड़े करना एक महीने तक, बहुत काम, बहुत बड़ी बात है भाई ये। हाँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत शांत बच्चे है, और उनके साथ खेल भी रही थी, बिल्कुल खेलती थी उनके साथ, खेलती थी अपने बच्चों जैसा ही मानती थी। हाँ बेटू, तभी जबी थोड़े कमजोर हुई है, थोड़ी कमजोर। ये तो फिर अभी वही है ना, दो दो लीटर को संभाल पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। गेन करेगी अब, ये अब गेन करेगी, अब फ्री है ये, है ना। हाँ, अब इसका टाइम आया गेन करने का, जैसे उसने करा कैरी ने। कैरी नाम होगा ना, कैरी ने भी गेन करा अभी। देखो बहुत प्यारे बच्चे है यार। अब हमारे सबसे बड़ा टास्क होगा भाई, हम थंबनेल लेंगे चारों फीमेल को साथ में रख के, तो उसके लिए लाइक जरूर कर देना अगर बढ़िया आ गया। लो भाई, आपको दो तरह के बेबीज दिखा देता हूँ, एक अपने डॉग के और एक ह्यूमन का। ये तो अपने पाकिस्तानी बुल्ली के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे देख लो। तुम्हें तो बता भाई कितने दिन के हो गए और क्या सीन है इनका? 45 डेज ओल्ड हो गए हैं बेबीज, ठीक है। इनकी मदर आपको दिखा दी गई, इनका फादर है हाथी। हाथी? हाँ, हाथी भी एक दो वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, देख कर मजा आ जाएगा। गजब ही आया वो डॉग, मतलब उसकी हाइट बहुत, मतलब बहुत बड़ी हाइट है उसकी। हाँ। कितने तो इसके किया का भाई, यहाँ तक आवे? हाँ, इससे काफी अच्छा। मैं 5'11" का हूँ देख लो, तो मतलब अभी तो आवे है। हाँ, 35-36 के अराउंड हाइट है उसकी। बहुत हो जाता है भाई, मैं तो वो फीमेल देख के पागल हो गया था। पूरा मस्कुलर है अपनी बॉडी में। ये भी पूरे एक्टिव बच्चे है भाई। हाँ। बहुत ज्यादा है ना। चलो इसी के साथ इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं। और एक और ये चीज दिखा आदित्य, पिछली बार भी मैंने दिखाया था, इधर घुमाए, बस इधर से लिया। ये देख, बढ़िया नेचर में रह रहे हैं ये, जमा देसी माहौल में, इसलिए इनके पैर सही है, इसलिए ये यहाँ इसी माहौल में रहने के लिए लायक है। बिल्कुल, खुला मैदान हो, बढ़िया फील्ड हो, तो वहाँ कामयाब है, आराम से खिले कूदे भागे दौड़े। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना और क्या क्या व्लॉग्स देखना चाहते हो आप, और लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। बाय बाय।